हाय फ्रेंड्स, सेवा बड़ी में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट ट्रिप में किस तरीका से फर्मा बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दो तरीका का फर्मा बनाएंगे, 1/4 और 1/8 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कोई पुराना मेरा फर्मा नहीं हम खोलेंगे। ठीक है, सिर्फ जो भी है जो आपके सामने लाभ हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लैंक मेरे पास इस तरीका का यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेज है, यहाँ पे न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज लेते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे सिग्नेचर में। सिग्नेचर में आने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट है, यहाँ पे न्यू सिग्नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट और सिग्नेचर के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है क्या कि हम प्लेट है जो कि अपना मन से यहाँ पे मतलब प्लेट का यहाँ पे बनाया जाता है सिग्नेचर फर्मा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे डोमिनेंट है जो कि बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ये डोमिनेंट यहाँ पे है। एमएम में अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ पे 648 और 529 से रखे हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पे यहाँ जो ग्रीपर हम लोग देते हैं तो हम लोग के यहाँ ग्रीपर पड़ता है 1.38 इंच में। ओके, और ये यहाँ पर से हम लोग आ जाते हैं फिर पेपर में। पेपर में यहाँ पे हम लोग अभी बनाएंगे 1/4 का, उसके बाद हम लोग बनाएंगे 1/8 का। ठीक है, तो 1/4 का सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे 2x2 करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर जो है विड्थ में यहाँ पे साइज हम लोग डालेंगे 11.25 या 11 भी रख सकते हैं। ठीक है, ये जनरल सभी में चलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे 8.5। ओके, तो यहाँ पे हाइट हम लोग डाल दिए हैं 8.5, यहाँ पे विड्थ डाल दिए हैं 11। ठीक है, और यहाँ पे पेज डालेंगे क्या, 8 पेज, यानी कि 8 पेज का ही बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो कि रो में है, रो में 2 रखेंगे। कॉलम में है, यहाँ पे हम 2 रखेंगे। अगर 1/8 रहेगा तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 रखें क्योंकि हम लोग को 1/4 का रखना है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ पर है जो कि आपका सिग्नेचर सेंटर और साइड अगर करना चाहते हैं वो यहाँ पर से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग परफेक्ट रखेंगे। परफेक्ट का मतलब साइड होता है और सैडल का मतलब सेंटर होता है। ठीक है, तो परफेक्ट रखेंगे, जो ब्लू बाइंडिंग होता है परफेक्ट जाल। ठीक है, यानी कि साइड स्टिच। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है पेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा जो कि डाउन है, अप है, लेफ्ट है, राइट है। तो यहाँ पे राइट वार्ड यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर है जो कि टर्न में है, जो कि यहाँ पे टर्न रहने देंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। और ये सब हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ पे इंच है, बाकी एक बार एक नजर मार लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से करेंगे ओके। तो ये अपने पास फर्मा बन के आ गया है। और एक चीज आपको बताते हैं, अगर आप में यहाँ पे जो नंबर है, पेज नंबर मेरा में पेज नंबर छोटा छोटा दिखा रहा है, अगर आप में बड़ा दिखा रहा है तो कोई घबराने का जरूरत नहीं है, सब एक ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीका का आएगा। ठीक है, आप में भी कुछ इस तरीका का आएगा। उससे पहले आपको क्या कर लेना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्मा में नंबर यहाँ से पड़ रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8। ठीक है, तो हम कोई ऐसे भी आप रख सकते हैं, ये भी सही है, मगर हम ऐसे नहीं रखते हैं, ना हम हमको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि नियम जो जो जैसे जनरली जो बाइंडर को जो हिसाब से होता है उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 नंबर यहाँ रखेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो उसके लिए उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो पेज है जो कि आपका मतलब कि सब पेज का जो टॉप जो होता है वो सबका एक तरफ है। ठीक है, इसका टॉप है जो कि सब एक तरफ है। ठीक है, तो ये सब को हम लोग क्या करेंगे, तो सेंटर में मिलाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं पेज हेड टू हेड यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि सर टू सर, मतलब आम नॉर्मल भाषा में बोला जाए सर टू सर, यानी कि माथा टू माथा मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हेड टू हेड आ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हेड टू हेड आ चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको एक बार करके देख लेंगे। तो ये है जो कि आपको बटम बटम टू बटम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को नहीं करना, हम लोग को यहाँ पे करना है सर टू सर, यानी कि हेड टू हेड। ओके, हेड टू हेड पे क्लिक कर दिए तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद हम लोग को यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे जैसे अगर आप में यहाँ पे रेड का अगर दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे टेम्पलेट एटीब्यूटेड है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे।
करेंगे टेम्पलेट एटीब्यूट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीका का आ गया, जो कि यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बीच में जगह देना है तो यहाँ पे 0.2 यानी कि 0.2 0.1 अगर जितना देना चाहते हैं मतलब कि हेड पे, तो उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, मगर जनरली 99% जॉब में यहाँ पे नहीं चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं डालेंगे, सिर्फ यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे लगभग जॉब में यहाँ पे डलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 0.2 यानी कि क्वार्टर इंच से 0.5 कम है, ओके। अगर आप डमी मोड़ के रखे हुए हैं तो ठीक है, अन्यथा हमें तो अभी फिलहाल याद है, तो हम अंदाज से हम यहाँ पे हम डालेंगे जो कि सही वो रहेगा। यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक नंबर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा दो नंबर। यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1 2 3 4 यानी कि हम लोग यहाँ पे 4 नंबर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा 3 नंबर 4 नंबर। यहाँ पे है 5 नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर ले लेगा। और यहाँ पे है 8 नंबर, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 8 नंबर, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा 7 नंबर, ठीक है। इसको हम लोग फर्मा को आप इस तरीका से उलट के उसके बाद आप इसको मिला सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8, ओके, श्योर, सही, परफेक्ट, ओके, ठीक है, शायद आप सही में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये कर लिए, उसके बाद इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे बाहर। बाहर आ गए तो देख सकते हैं कि हम लोग को परफेक्ट फर्मा बैठ चुका है, यानी कि अरेंज हो चुका है सेटिंग। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक बार प्लेट का ये जो एरिया यहाँ पे ब्लैक जो दिखा रहा है, ये एरिया आपका प्लेट का हो गया, ये एरिया जो कि ग्रीपर का हो गया, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। इसके नीचे जो कि सिग्नेचर जो मार्कर वगैरह होता है, यहाँ नाम वगैरह आपका दिखाएगा आपके फर्म के नाम से या क्लाइंट का जो नाम रहता है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया जाता है। यहाँ पे प्रेफरेंस में जा करके सब एति बैठाना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर है जो कि आपको यहाँ पर से एक बार प्लेट का जो कि मतलब सेंटर आपको मिला लेना है, ठीक है, ये प्लेट का सेंटर मिल चुका है। और इसके बाद आपको क्या कर लेना है, हम आपको सलाह देते हैं कि अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो अगर शांति दिमाग में ये चित्र बन गया, ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए कि इसको आप एक फाइल जो आपको बन गया है इसको आप एक बार सेव एज कर लीजिए, कहीं पर आप डेस्कटॉप पर रख सकते हैं या कहीं पर भी। तो हम देख सकते हैं कि फर्मा के नाम से मेरे पास डेस्कटॉप पर इतना सारा जो कि हम सब बना करके रखते हैं कि हमेशा होता क्या है कि भीड़ भाड़ में क्लाइंट आते हैं, इमरजेंसी में काम हो रहा है, तो उस बीच में बना नहीं पाइएगा, अगर बनाइएगा कुछ गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत है। तो शांति में जब हमको टाइम मिलता है तो ये सब देखिए हम बना करके, ये सब प्लेट का साइज है, ये कौन सा साइज में रहेगा, 1/4 है 1/8 है, ये सब हम बना के यहाँ पे रखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीका से बना करके यहाँ पे नाम डाल करके उसके बाद अपना हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। जब आप इस तरीका से आपके बन जाता है उसके बाद आप इसको सेव कर लेते हैं। तो अगर आप इसको फिर से बंद कर देते हैं, यहाँ पर हम नो करेंगे, यानी कि हमारे तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम आपको सिर्फ बताने के लिए किए हैं। तो यहाँ से हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टस्क्रिप्ट मेरा टेम्पलेट है जो कि V6 है, ठीक है, फिलहाल हम वही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा फाइल सब बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग चलेंगे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्मा बना के रखे हुए हैं, ठीक है, फाइनल एक दोनों एक ही हैं, दोनों सही है, वो हम एक ही वैसे ही जल्दी जल्दी में उसे कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये खुल के आ चुका है। तो देख सकते हैं जो अभी हम बनाए हैं वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, यहाँ तक श्योर। तो आप भी सही में समझ गए होंगे कि आप किस तरीका से नया टेम्पलेट बना सकते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पे 1/4 तो हो चुका है, ठीक है, हम लोग इसी में है जो कि 1/8 भी ले लेते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं ये फिर ब्लैंक हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग 1/8 के बनाएंगे, ठीक है। तो 1/8 के फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि टेम्पलेट बनाने के लिए हम लोग यहाँ से फिर से नया पेज लेंगे। नया पेज लेने के बाद यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आने के बाद वही प्रक्रिया करना है, यहाँ पे प्लेट है जो कि आपको पहले चूज कर लेना है, यहाँ पे बाकी सब आपको बता दिए कि किस तरीके से होता है, यहाँ ग्रीपर मार्जिंग होता है, ये सब है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर अगर आपको जम्बर, हम जम्बर भी यूज करते हैं, जो कि अगर एक एक प्लेट हम लोग ला करके यहाँ डालते हैं तो जम्बर यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ नॉर्मल में जो कि आप फर्मा बना सकते हैं, तो यहाँ पर जो कि पेज का साइज हम डालते हैं यहाँ पे 5.5 और यहाँ पे 8.5, क्योंकि ये पोर्टेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 16 पेज, यानी कि एक फर्मा बनाना है हमको। यहाँ पर है जो कि ये इंच में रखे हुए हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको है जो कि सेंटर है कि साइड है जो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो 16 पेज में कोई सेंटर साइड नहीं चलता, मगर आप यहाँ पर परफेक्ट रखें, क्योंकि ज्यादातर 16 पेज ही का काम है जो कि
परफेक्ट ही होता है, यानी कि साइड बाइंडिंग, जिसे हम ब्लू बाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 16 नंबर पेज हो गया टोटल। उसके बाद यहाँ कॉलोमन में आ जाते हैं, कॉलोमन में आने के बाद रॉ में यहाँ पे दो ए रहने देते हैं, रॉ में दो रहेगा, ठीक है। कॉलोमन में यहाँ पे चार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे आ जाएंगे पेज रोटेशन में, पेज रोटेशन में आने के बाद यहाँ पे अपवर्ड रहेगा, ठीक है, अपवर्ड ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से ओके करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया, यानी कि हम सही थे। भाई नहीं चाहते हैं कि गलती हो, मगर ठीक है ना, गलती होने से पहले सीओ हो लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वही जो आपका जो टॉप जो सिर जो होता है, माथा टू माठा जो कि आपका देख सकते हैं, सबका ऊपर ऊपर भाग रहा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको पकड़ के बीच में करना है, यानी कि सर टू सर एक जगह, यानी कि हेड टू हेड एक जगह करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पेज हेड टू हेड है, ठीक है, यानी कि माथा टू माथा सेंट मतलब नॉर्मल भाषा में, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हेड टू हेड एक तरफ मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर है जो कि एक बार प्लेट का जो कि सेट यहाँ पे बैठा लेते हैं, ठीक है, यानी कि प्लेट के चारों, ये जो होता है ये प्लेट का एरिया होता है, यहाँ ग्रिपर का मार्जिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लेट का सेंटर में एक बार बैठा लेते हैं, तो ये बैठ चुका है, ओके। उसके बाद अगर नॉर्मल सा अगर आप डायरी अरेंज करते हैं या बुक अरेंज करते हैं किसी भी तरीका के, या आपका उर्दू का हो या कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पर है जो कि माथा पर यानी कि हेड पे आपको जगह देना पड़ता है और सेंटर में जगह देना पड़ता है। हेड ये हो गया, सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं फिर से वहीं पे टेम्पलेट एट्रीब्यूटेड में, टेम्पलेट एट्रीब्यूटेड में आने के बाद यहाँ पर हम लोग जगह देंगे 0.2, ठीक है, और यहाँ पर हेड पे भी देंगे क्योंकि हेड पे जनरली जाता ही जाता है, तो हम लोग यहाँ पे हेड पे भी देंगे 0.2, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ गए वापस, तो फिर इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर के प्लेट का जो कि सेंटर टॉप यहाँ पे मिला लेंगे, तो ये देख सकते हैं मिल चुका है। और अपना फर्मा अगर आपको गलत लग रहा है कि सही है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला अपनाना है, कागज को मोड़ लेना है, नंबर दे देना है और फोल्ड करके यहाँ मिला लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16, ओके, श्योर 100%, जी हाँ। तो आप इस तरीका से इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं और उसके बाद इसको भी आप उसी तरीका से यहाँ पे सेवेज कर लीजिए और रख लीजिए, क्या जब भी जरूरत है बस ओपन करना है। जैसे यहाँ पे हम बना के रखे हुए हैं, देखिए 650 530 पे न्यू 18 वन, यानी 1 8 18, इसको हम न्यू करेंगे और एकदम सेम प्रक्रिया यहाँ पे देख लीजिए और हम खोलेंगे उसको भी देख लीजिएगा, 100% एक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ ठीक है, अब हम यहाँ पे खोल रहे हैं, यानी कि इसको हमको सेव नहीं करना, इसको नो करेंगे और यहाँ पे खुल गया सिम, सिम खुल गया, ठीक है। तो देख सकते हैं खुलने के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, सही है मेरा, सही है, ठीक है। तो आप इस तरीका से नया टेम्पलेट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप आगे पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आप टेम्पलेट बनाना अगर सीख गए तो आप कहीं भी कोई भी सॉफ्टवेयर पे सिर्फ थोड़ा सा कमांड चेंज रहता है, बाकी आपको बनाने का प्रक्रिया एक ही रहता है, तो इस तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं का वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ज्यादा नहीं चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं का वीडियो में, इसी तरीका के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। और भाई आप लोग आए हैं नए नए लोग चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली के हिस्सा बनिए, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्दी है जो कि 1000 सब्सक्राइबर पूरने वाले हैं, तो भाई जल्दी करो जल्दी, अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, ओके। तो चलिए मिलते हैं एक वीडियो में।